गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल तुल्यांक। छोटा टॉपिक है ना, लेकिन जल तुल्यांक होता क्या है उसको आप लोग समझिए। जल तुल्यांक अच्छा टॉपिक है। जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट, जल तुल्यांक क्या होता है सुनिए। जल तुल्यांक क्या होता है, किसी पदार्थ या किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा होती है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी जितने जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है जितने कि उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। यानी इसको आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे, हम यहाँ पर कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यानी एक वस्तु है, समझना, ये कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, और इसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं बढ़ाने के लिए। बात को समझना, हम कहना क्या कहते हैं, एक वस्तु है और उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत है। मान लो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। मान लो ये कोई वस्तु है, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, 5 जूल, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो ये 5 ग्राम पानी है, ये पानी 5 ग्राम, ये पानी 10 ग्राम, और ये है मान लो 15 ग्राम, ठीक, और ये 20 ग्राम। समझो, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इसमें 3 जूल ऊष्मा की ज़रूरत है, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4 जूल, इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल, और इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 6 जूल। बात को समझो, ये कोई वस्तु है, इसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, 5 जूल। 5 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 3 जूल। 10 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4 जूल। और 15 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल। उदाहरण के लिए समझाना चाहते हैं, ये ना कहना क्या ये फिक्स मान है, ऐसा नहीं है। 20 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 6 जूल। अब बताओ, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी, 5 जूल। इसमें पानी की कौन सी मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी ऊष्मा चाहिए, 15 ग्राम। यानी इस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर 15 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 15 ग्राम पानी इस वस्तु का जल तुल्यांक कहलाएगा। क्या कहा हमने, इस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, तो कितने पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल की ज़रूरत पड़ती है, 15 ग्राम। हमारे समझाने के लिए यह लिखा हमने, ठीक है ना। तो इस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, अब 15 ग्राम पानी के ताप को भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 5 जूल ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 15 ग्राम पानी इस वस्तु के लिए क्या कहलाएगा, जल तुल्यांक। इसका जल तुल्यांक ये क्यों नहीं कहलाएगा,
क्योंकि इसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 3 जूल चाहिए, जबकि इसके लिए कितना? 5 जूल। जबकि दोनों के लिए ताप ऊष्मा क्या होनी चाहिए? समान। अब समझ में आ गया होगा ना, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 5 जूल, इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो 6 जूल। तो ये इसका जल तुल्यांक है, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है ना। अब फाइनल क्या हुआ, किसी वस्तु का जल तुल्यांक, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जितनी की उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। समझ में आ गया ना, लिखने में शब्द सीमा बड़ा हो गया, पर यदि समझ गए होंगे तब ठीक है, नहीं लगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। यदि ये एग्जाम्पल से आप समझे होंगे तभी क्लियर होगा, है ना। किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है जितनी कि इस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो ये है, तो हमारे इस उदाहरण में देखा जाए जो हमने लिया, तो इस वस्तु का जल तुल्यांक कौन कहलाएगा? 15 ग्राम पानी, है ना, ठीक है ना। अब ये ना कह देना कि अब याद कर लो कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक 15 ग्राम पानी होता है, हमने समझाने के लिए यह लिखा है, ठीक है ना। तो लिख लो परिभाषा, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है, किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। किसी वस्तु का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उतनी ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी की उस वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है ना जी। यह है जल तुल्यांक। अब जो हमने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है वो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब ये मत याद रखिएगा कि किसी वस्तु का जल तुल्यांक 15 ग्राम पानी होता है, वो हमने एग्जाम्पल ने समझाने के लिए लिया है, ठीक।